स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। और जो मैं बैठा हूँ बिलाल सुपर कैरी में, और जो थोड़ा सा लोडिंग है यानी कि 10-12 बोरिया है वो जो लेने जा रहा हूँ बिलाल, तो सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, सुपर कैरी वाले ऑडियंस है उसके साथ जो शेयर कर दूँ। और अभी फिलहाल हम ऑफ रोड करते करते जा रहे हैं। यहाँ फिलहाल गाँव का रास्ता है, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑफ रोड है। देखो 6 किलोमीटर जाना है और उतना उतना आना है। कैसे उबड़ खाबड़ रास्तों में सुपर कैरी चलती है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ जो है शेयर कर देंगे। सुपर कैरी का अभी बहुत सारे वीडियो इस रोड पे डाल रखे हैं। देखो यही वाला रोड है, अभी फिलहाल काम चल रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, यानी कि रोड बहुत जल्दी बन जाएगी, बट जो अभी यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। शायद से दीपावली तक जो है ये रोड का काम खत्म हो जाए। तो यार अपने जो है मामा का घर वैसे भी नज़दीक है, तो यार यहाँ से जाने आने में यार मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि जो है आसपास पहाड़ ही पहाड़ है, तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ ही पहाड़। देखो कंकर की वजह से जो रोड को बनाने के लिए जो कंकर बिछाई जाती है, और अभी फिलहाल गाड़ी में कोई भी वेट नहीं है, इसी वजह से गाड़ी स्लिप काट रही है। वही काम चल रहा है, देखो हर जगह पे साला काम ही चल रहा है, रोड का ही काम। देखो और यहाँ पे भी पूरण वगैरह डाल रखा है, देखो मिट्टी ये देखो अलग डिफरेंट टाइप की मिट्टी है थोड़ी। देखो हमारे यहाँ मिक्स मिट्टी है, कहीं पर पीली है, कहीं पर लाल है, कहीं पर ब्लैक है, डिफरेंट डिफरेंट मिट्टियाँ है हमारे पास। यहाँ पे बड़ा सा ढलान था, बड़ा सा, देखो एक बार ही उतर के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यार हमारे यहाँ जो भी चेंज होता रहता है वीडियो के माध्यम से आपको पता चल ही जाता है। देखो यहाँ पे क्या है कि बड़ा सा ढलान था, ऐसे एकदम स्टीप सीधी चढ़ान थी, उसको जो है क्या है कि गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पे स्कीम होगी उसकी तरफ से जो है ये रोड पूरा काट दिया है, जो भी ढलान था ये देखो। ताकि जो है ट्रैक्टर हम लोडिंग में लेकर आते थे तो यहाँ पे इस ढलान के बारे में सोचना पड़ता था, अभी क्या है कि कोई टेंशन नहीं, चाहे जितना भी लोड ला दो आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये ढलान जो है एकदम काट दिया है, यानी कि जो समतल कर दिया है एकदम, इतना ज़्यादा ढलान नहीं रहा है, बहुत ही आराम से ट्रैक्टर भी 5 टन लोड के साथ निकल जाएगा। जो अच्छा रास्ता आ चुका है देखो, तो फटाफट हमको जहाँ पे जाना है वहाँ पे फटाक से पहुँचते हैं, क्योंकि लोडिंग लाना है वो जो फटाफट लेकर फिर से वापस घर की तरफ पहुंचना पड़ेगा फटाफट। यार लाइफ में बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी रहती है यार, और आज रात को मेरे को राजकोट के लिए भी निकलना है, तो देखते हैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि यार साथ में कोई रहता है तो यार मेरी हिम्मत नहीं होती है कि वीडियो कर पाऊँ। ये तो यार एक दो ये भाई है जो पहचानते हैं कि यूट्यूब में क्या है, तो यार उसके साथ बनाने में मज़ा आ जाता है, नहीं तो यार जिनको मालूम नहीं उसके साथ जो है वीडियो करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार। और मैं क्या है कि थोड़ा सिक्योरिटी वाला पर्सन हूँ, अगर मेरे पास कोई होता है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं करता, यानी कि जो रील वील तो शूट कर ही लेता हूँ, बट जो है ऐसे बोल के नहीं बनाता जाते। तो हम पहले दाहोद जिले में ही थे, बाद में थोड़ा सा पंचमहल जिले में आए, यहाँ से बॉर्डर चेंज हो जाता है, यहाँ से देखो ये वाला नाला था ना, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से दाहोद लग जाता है। 3 जिलों को हमने फिर से एक बार ही क्रॉस किया यार, जो पहले हम घर से निकले तब जो दाहोद में थे, उसके बाद जो थोड़ी बहुत पंचमहल में एंट्री की, उसके बाद जो फिर से दाहोद में आ गए। देखो तो हमको जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमने खड़ी है गाड़ी, देखो उस गाड़ी में से थोड़ा पहुँचे इसमें लोड करना है, वो कितना है वो भी आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि लोड भी आप लोगों को बताना बनता है यार। यहाँ पे हमारा लोडिंग हो चुका है और जो हम वापसी घर की तरफ निकल चुके हैं, एक बार जो आगे अच्छी जगह आने दो, उसके बाद जो आपको लोडिंग दिखा था और साथ साथ में कितना वेट है वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे साइड में रुके रोड के साइड में, बाकी जो आप लोडिंग देख सकते हो ये है, टोटल जो है 10 बोरियाँ 50-50 किलो की है, ये 3 तिल के बैग है और जो है थोड़ा सा मतलब 30-30 किलो के बैग है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पे वेट होता है करीब 730 किलो के आसपास, यानी कि जो नॉर्मली सुपर कैरी CNG की जो लोडिंग कैपेसिटी है उतना ही हुआ है। देखो आप जो है थोड़ा बहुत तो लोड हुआ है, 730 किलो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। तो देखते हैं रास्ता थोड़ा ऑफ रोड टाइप का है तो कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी। रास्ते थोड़े से गांव के हैं और जो अभी फिलहाल हम पंचमहल जिले में, अभी थोड़ी देर में दाहोद जिले में एंटर हो जाएंगे। बाकी जो गाड़ी का 730 किलो लोड में यार बहुत बढ़िया परफॉर्म है यार, गाड़ी को कुछ भी ऐसा मतलब इतना सा लोड लग रहा होगा, अभी फिलहाल मस्त चल रही है यार, बम्प पे भी दूसरे गियर में उठ जाती है आराम से, और जो पिकअप भी काफी ज्यादा अच्छी ले रही है यार, डीजल का टॉर्क का मजा ही अलग है यार। न्यूज ऐसी आ रही है कि 2028 तक जो है डीजल इंजन बंद हो जाएंगे, बाद में यार कैसे मजे लेंगे डीजल के, और डीजल ही बंद हो गया तो क्या करेंगे यार, एक गाड़ी कौन चलाएगा यार, ये भी दिक्कत है यार। बाकी जो है 730 किलो लोड में यार बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी गाड़ी, एकदम इतना सा लोड लग रहा होगा, माइनर सा 5% ही लोड है गाड़ी में, ऐसा फील हो रहा है अभी।
दोस्तों यहाँ पे ऑफ रोड जो रास्ता है वो स्टार्ट हो चुका है मेरे गांव का, देखो। और जो स्टीयरिंग रोड में दिक्कत है वो जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आवाज आ रहा है, दे माइनर माइनर सा, ये देखो मुझे चेंज करवा दो जल्दी, ऐसा बोल रही है गाड़ी यार। यहाँ पे भी बड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छा डला था, बट जो है थोड़ा कुछ काट कूट के इसको छोटा कर दिया, देखो एकदम छोटा। बाकी जो हम इसके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसको जो पहला गियर में डाल देते हैं उसके बाद जो आरपीएम नहीं देखें गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी वो देखते हैं। अभी फिलहाल मैंने पहला गियर दे ही दिया है ऑलमोस्ट, देखो। और जो कोई भी एक्सीलेटर पे पाव नहीं रखा है, डीजल गाड़ी का यही तो फायदा है कि कम आरपीएम पे बहुत ज़्यादा टॉर्क निकालती है गाड़ी, वही फायदा होता है डीजल गाड़ी का। तो देखो अभी भरपूर फायदा लिया जा रहा है डीजल गाड़ी का, देखो एकदम अपना आराम से बढ़िया। शायद से एज पे जाके मुझे एक्सीलेटर पे पाव रखना पड़े, बट ये अभी तो बढ़िया चल रही है एकदम, देखो एकदम बिना आरपीएम दिए हुए। तो यहाँ पे गाड़ी को ज़्यादा स्ट्रगल ना करवाते हुए आराम से चढ़ा लेते हैं फटाफट। दोस्तों ये गाड़ी अपने लाडली सुपर कैरी और इसका बंपर भी हमने निकाल दिया है, क्योंकि जो है यार पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान करता है बंपर देख के ही, और गोधरा में जाना आना रहता है यार, दो तीन दिन में एक बार गाड़ी आती है, तो यार बंपर निकाल के फटक दिया एक बार। फिलहाल बंपर लगने का कोई भी मतलब ऐसा टाइम नहीं है कि बंपर लगा दे और जो चालान कटवाए, तो यार इसी वजह से हमने बंपर निकाल के रखा है। एक भाई का कमेंट था कि आपने बंपर क्यों निकाल लिया, उससे गाड़ी की सेफ्टी यार कम हो जाएगी, वो भी बड़ी बात हो जाती है। अगर सामने वाली गाड़ी के पास ये गाड़ी ठुकी तो सामने वाला का भी टोटल लॉस हो जाएगा, इससे तो बढ़िया यही है कि दोनों की सेफ्टी रखो। इसीलिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए हमने जो है इसका बंपर भी निकाल के रखा। तो एक भाई की कमेंट थी इसलिए मैंने रिप्लाई देना उचित समझा कि ट्रैफिक रूल्स को यार हमेशा फॉलो कीजिए। और ये गाड़ी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाते, सिर्फ लोकल लोकल में चलाते हैं, ऐसे छोटा मोटा जो फेरा मिल जाता है तो हम करते रहते हैं। ये तो अभी फिलहाल हमारा खुद का ही काम था, और ज़्यादातर खुद के काम में बहुत ज़्यादा गाड़ी यूज़ होती है, यानी कि भाड़े के काम में थोड़ा बहुत कम कर दिया अभी फिलहाल। और जब मानसून का टाइम में यार गाड़ी ऐसे फ्री ही रहती है, ज़्यादा भाड़ा वगैरह नहीं मिलता है। यहीं पे समाप्त कर देते हैं, थोड़ा बहुत ये गाड़ी का एक्सपीरियंस भी आपके साथ जो शेयर किया, और जो एक भाई का कमेंट था बम्पर की निकाला उसको भी रिप्लाई दे दिया, और साथ साथ में थोड़ा सा लोड के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, और थोड़ा सा ऑफ रोड वाला रास्ता था वो हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। थोड़े बहुत जो अच्छे अच्छे शूट वो जो बिहाइंड द कैमरा कैमरा के पीछे उसने जो है निकाले छोटे से बच्चे ने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा पे जरूर से फॉलो कर लेना, अच्छी अच्छी रील आपको देखने मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।